फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 पीसी में सेटिंग एप्स को कैसे रीसेट करते हो। आज वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सेटिंग एप्स को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको विंडोज की प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सेटिंग्स। यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे राइट क्लिक करना है, ऐप सेटिंग्स में जाना है। ऐप सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट, उस पर क्लिक करना है। रीसेट करने से पहले सेंटेंस को आप पढ़ लेना है। दिस विल परमानेंटली डिलीटेड द ऐप्स डाटा ऑन दिस डिवाइस इंक्लूडिंग योर प्रेफरेंसेस एंड साइन इन डिटेल्स। उसके बाद आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है। रीसेट होने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर देना है। आपको अपना पीसी और लैपटॉप एक बार रीस्टार्ट करना है, विंडोज 11 की सेटिंग रीसेट हो जाएगी। तो आप इस तरह से विंडोज 11 में सेटिंग ऐप्स को रीसेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक्सिला चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट।